गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वी आर स्टडिंग यूनिट 5 डिवीजन। आर टुडेज टॉपिक इज डिवाइडिंग अ नंबर बाय 1 एंड बाय इटसेल्फ। यानी कि किसी भी नंबर को हम डिवाइड करें या तो 1 से या फिर वो जो नंबर है वो उस खुद नंबर से। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल हम लेंगे, किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करें, जैसे कि 50 डिवाइड बाय 1। ठीक है, अब मुझे 1 को 15 को 1 से डिवाइड करना है तो हम उसको इसी तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। अब 1 को 15 से करने के लिए 1 से 1 हो गया 0, 1 टाइम हो गया। 5 को फॉरवर्ड कर लेंगे आगे, 1 5 5 5, फिर 0 हो गया तो हमारे पास क्या आ गया, वापस से वो नंबर आ गया। तो यानी कि हमें ये बात ध्यान रखनी है कि जब से हम किसी नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास वापस से क्वेश्चन में क्या आ जाता है, नंबर, वापस वही नंबर आ जाता है। क्वेश्चन में हमारे पास क्या आ गया, वापस से यही नंबर आ गया जब हमने किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड किया। ऐसे ही अगर हम किसी भी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड करें, जैसे कि 15 को मैं 15 से डिवाइड कर दूं तो हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, तो 15 बन जा 50, तो 1 क्या आया, क्वेश्चन। तो जब, और इसमें क्या स्टेटमेंट है कि जब हम किसी भी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास क्वेश्चन में क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। तब क्वेश्चन में आएगा 1। तो जब हम 1 से डिवाइड कर रहे हैं किसी नंबर को तो वो नंबर आ जाएगा, और अगर वापस उसी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो 1 आ जाएगा क्वेश्चन में। अब इसके लिए एक्टिविटी है 5.7। रजत हैज 18 मार्बल्स, ही नीड्स टू पुट 1 मार्बल इन ईच बैग। रजत के पास 18 मार्बल्स है और उसको हर एक मार्बल को डालने के लिए एक बैग चाहिए। ठीक है, अब उसको एक एक मार्बल को एक एक बैग में डालना है। आपके पास 18 मार्बल्स की पिक्चर है, मैं आपको बुक शो कर देती हूँ। ये देखिए, यहाँ पे 1 बैग है, 18 मार्बल है। अब उसको 1 मार्बल को 1 बैग में पुट करना है। तो हाउ मेनी बैग्स विल ही नीड, तो बताओ उसको कितने बैग्स की जरूरत है। तो अभी हमने देखा जब हम किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं तो वो नंबर इटसेल्फ ही आ जाता है हमारे पास। हम कर रहे हैं एक्टिविटी 5.7। तो टोटल मार्बल कितनी है, 18 है, 18 मार्बल से। अब 1 मार्बल को 1 बैग में पुट करना है तो इसके मतलब हमें कितने बैग चाहिए, 18 बैग्स चाहिए। तो हाउ मेनी बैग्स विल ही नीड, तो बैग्स in
ईच पॉट, तो एवरी पॉट में कितनी सीड्स होगी? वन सीड होगी, क्योंकि मेरे पास फाइव ही सीड्स है और फाइव ही प्लांट्स सॉरी पॉट्स है। इसके बाद राइट इट एज डिविजन स्टेटमेंट। अब डिविजन स्टेटमेंट क्या होगा इसका? इसमें होगा कि हम जब किसी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड कर दें तो हमारे पास क्वेश्चन क्या आ जाएगा? वन। ठीक है, तो इसका डिविजन स्टेटमेंट होगा फाइव डिवाइड बाई फाइव इक्वल्स टू वन। तो इसका डिविजन स्टेटमेंट हो गया फाइव डिवाइड बाई फाइव इक्वल्स टू वन, क्योंकि फाइव ही सीड्स है और फाइव ही प्लांट्स हैं सॉरी पॉट्स हैं, तो फाइव वन पॉट में वन सीड हो जाएगा। तो इस तरह से जब भी हम किसी भी नंबर को वन से डिवाइड करते हैं तो वो नंबर वापस रिसीव हो जाता है, और अगर उसी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमें क्वेश्चन में वन आता है। ठीक है, अब इसके बाद एक्टिविटी 5.8, या इसके पहले आपको देखिए ऑन पेज नंबर 85, रेखाज मॉम बोट 10 रोजेज, शी आज रेखा टू पुट ईच रोज इन अ सेपरेट बास, लेट्स सी हाउ मेनी बास रेखा विल नीड। अब रेखा के पास 10 रोजेज हैं और उसको 10 रोजेज को अलग अलग बास में रखना है, यानी कि अब वन बास में वन रोज रखेंगे तो हमारे पास कितने बास चाहिए? हमें 10 बास चाहिए। तो देखिए आपको 10 डिवाइड बाय 1 करके इक्वल्स टू 10 दिया हुआ है, यानी कि वन बास में हम वन फ्लावर रखेंगे। इसी तरह शीला बोट 5 पेन स्टैंड टू डिस्ट्रीब्यूट टू चिल्ड्रन, शीला ने 5 पेन स्टैंड खरीदे हैं। इफ ईच चाइल्ड गेट 1 पेन स्टैंड हाउ मेनी चिल्ड्रन आर देयर, अगर एवरी स्टूडेंट एवरी चाइल्ड 1 पेन स्टैंड रिसीव कर रहा है तो वहां पर कितने स्टूडेंट्स हैं कितने चाइल्ड्स हैं? तो अगर 5 ही उसने बोट करे तो वो 5 को ही देगी, 6 को तो देने से रही, तो वहां पे 5 चाइल्ड होंगे, तो 5 को डिवाइड कर दिया 1 से, तो हमारे पास वापस से क्या आ गया? वो नंबर आ गया। अब इसके बाद एक्टिविटी 5.8, राइट द डिविजन स्टेटमेंट फॉर द फॉलोइंग इमेज। आपको कुछ इमेजेस दी हुई है और उसके लिए आपको डिविजन स्टेटमेंट राइट करना है। जैसे कि सबसे पहले 4 चॉकलेट्स आर पैक्ड इनटू 1 बॉक्स, 4 चॉकलेट को 1 बॉक्स में पैक कर दिया, तो इसके लिए डिविजन स्टेटमेंट राइट करना है आपको, 4 चॉकलेट्स पैक्ड इनटू 1 बॉक्स। एक्टिविटी 5.8, राइट करना है। ओके, तो इस तरह से जब भी हम किसी भी नंबर को वन से डिवाइड करते हैं तो सॉरी किसी नंबर को नंबर से डिवाइड